सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और कमाल की टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में डुएट वीडियोस यानी डुअल वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, और वो डुएट या डुअल वीडियोस क्रिएट करने के बाद आप कैसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर इंस्टाग्राम रील्स में पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इंस्टाग्राम का जो डुएट फीचर है, यानी अगर आप जो भी डुएट वीडियो बनाएंगे, ये डुएट वीडियो बनाने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी आप पूरा प्रोसेस करेंगे डुएट वीडियो बनाने का, ये आप सिर्फ अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में ही करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन अभी तक अपडेट नहीं है तो आप जहां से भी अपडेट या एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वहां पर आपको जाना है और फटाफट अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। फिर अपडेट करने के बाद फटाफट आपको अपने फोन पर आना है, और फोन पर आने के बाद आपको अपने फोन के सेटिंग्स को खोल देना है। फिर यहां पर आपको मैनेज एप्स या फिर एप्लीकेशन मैनेजर में आ जाना है, और यहां से आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं मैनेज एप्स या फिर एप्लीकेशन मैनेजर में आ चुका हूं और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लिया हूं। फिर जैसे आप सिलेक्ट करोगे, आपको उस पेज पे एक ऐप परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको जाना है, और अगर आपका कैमरा वाला परमिशन इनेबल नहीं है यानी डिसेबल है तो आपको उसे इनेबल कर देना है। ये सब करने के बाद आपको फटाफट अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम रील्स के सेक्शन में आ जाना है। यानी दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम के होम पेज पे हो तो आपको एकदम बॉटम, आपके पेज के बॉटम पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ पे एकदम जो मिडल वाला ऑप्शन है रील्स का, उधर आपको आ जाना है। फिर आपको जिस भी वीडियोस का डुएट बनाना है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं इस वीडियो का डुएट बनाना चाहता हूँ, तो एकदम राइट कॉर्नर में नीचे साइड में आपको 3 डॉट मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर रिमिक्स दिस रील का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको फटाफट क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है। फिर आप जैसे ही वेट करते हो, आपका जो भी वीडियो आपने सिलेक्ट किया होगा डुएट उसका बनाने के लिए, वो वीडियो यहाँ पे लोड हो जाएगा। फिर आपका वीडियो जैसे ही लोड हो जाता है, यहाँ पे एकदम लेफ्ट कॉर्नर में आपको सॉन्ग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो उस वीडियो में जो भी सॉन्ग था, आप उस सॉन्ग को हटा सकते हो और अपना कोई भी सॉन्ग लगा सकते हो। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट्स का, अगर आप उसमें क्लिक करते हो तो अगर आप अपने कैमरा से अपना मतलब फेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी आपका वीडियो है डुएट के लिए, आप उधर कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। फिर एकदम नीचे में आपको एक टाइमर का ऑप्शन मिलता है, यानी अगर आप इससे सेट करते हो तो आप अगर डुएट बनाना स्टार्ट करोगे उसी समय रिकॉर्ड करोगे तो वो एक टाइमर आ जाएगा, वो टाइमर के बाद ही आपका कैमरा ऑन होगा। तो दोस्तों, आप इसे सेट कर सकते हो। अगर आपको पहले से अपने मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, एडिट करके रखा है, तो एकदम लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आपका गैलरी का, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप जैसे उस पर क्लिक करते हो, आप अपने गैलरी में आ जाओगे। फिर अगर आपने जो भी वीडियो एडिट किया है, जो आप अभी डायरेक्टली इसके साथ डुएट में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आपने वो नहीं मतलब अभी तक एडिट किया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, आपका जो दो वीडियो दिख रहा है उसके नीचे आपको क्लिक करना है। फिर आपने जो भी टाइमर अगर सेट किया होगा तो वो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका जितना भी बड़ा लेंथ वीडियो, मतलब आपने जो भी वीडियो सिलेक्ट किया है उसका जो भी लेंथ रहेगा, वहां तक मतलब उतने सेकेंड तक आपका ये वीडियो मतलब रिकॉर्ड होने लग जाएगा। फिर आपको जो भी रिकॉर्ड करना है वो आपको कर लेना है सही से। बाद में आपने जो भी मतलब एक कैमरा का ऑप्शन था जिसपे आप क्लिक किए थे और आपका वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो एक एरो का साइन है राइट एरो का, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करना है जब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट ना हो जाए। फिर जैसे ही थोड़ा देर आप वेट करते हो, यहाँ पे आप जैसे कभी इंस्टाग्राम पे अगर आपने कभी स्टोरी पोस्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि ऊपर आप बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे ये स्टिकर्स डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर आपका कोई म्यूजिक का मतलब आप म्यूजिक जो रहता है वो अगर आप उसका साउंड कम ज़्यादा करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई टेक्स्ट डालना है यानी कुछ लिखना है आपको इस वीडियो पे, आप वो भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और वैसे जैसे आप पहले आपको एक एरो देखने को मिला था, यहाँ पे भी एकदम नीचे में आपको एक एरो देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ये थोड़ा देर रिफ्रेश होगा, यानी प्रोसेस लेने लग थोड़ा देर का कुछ प्रोसेस होगा, और यहाँ पे आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। फिर जैसे आप अपना इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करते हो तो उसका टाइटल लिखते हो यानी मेंशन लिखते हो, वो आपको यहाँ पे कर देना है। फिर अगर आप अपने फीड में ये मतलब जो आपने पोस्ट बनाया है, ये इंस्टाग्राम का डुएट बनाया है, अगर आप फीड में पोस्ट करना चाहते हो तो ये जो इनेबल रहा होगा वो पहले से इनेबल रहने देना, अगर नहीं करना चाहते हो तो उसे आपको डिसेबल कर देना है। अगर आप किसी पीपल को यानी किसी भी इंसान को, किसी भी इंस्टाग्राम होल्डर को टैग करना चाहते हो, तो आप टैग पीपल पे क्लिक करके किसी को भी टैग कर
सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैं इस वीडियो पे खुद को ही टैग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर टू रील्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो भी वीडियो आपने बनाया था वो धीरे धीरे आपके इंस्टाग्राम रील्स में शेयर होने लग जाएगा। सो दोस्तों यही था प्रोसेस जिसके मदद से आप अपना इंस्टाग्राम डुएट वीडियो बना सकते हैं। जी हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैंने जो जो आपको बताया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और हाँ गाइज, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का 100% रिप्लाई दे दूंगा। और गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आपको एक बेल आइकन दिखता है उस पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर दीजिए।